हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका शेखावत। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, ये है रिसेप्शन की नेक्स्ट डे की वीडियो। मैं आ गई थी रिसेप्शन के रात में ही घर वापस आ गई थी, क्योंकि एक दिन बाद छोड़ के नेक्स्ट डे खरवास लग रहे थे, तो ख़राब दिन शुरू हो रहे थे, इस वजह से मैं जल्दी आ गई। और ये बन रहा है बैना, क्योंकि नए नए शादी के बाद में इधर से या उधर से कभी भी आओ जाओ तो बैना ज़रूरी रहता है हमारे वहाँ। इस वजह से अम्मा लोग पुआ पूड़ी यही सब बना रही थी बैना कच्चे वाले घर में। सो, बस वही बन रहा। और मैं इसलिए भी आई थी क्योंकि सोमवार अमावस की पूजा थी, तो वो भी मुझे करनी थी। शादी के बाद ही मेरी पहली पूजा होगी, अभी दो दिन पहले ही तो शादी हुई है। सो, बस ये यहाँ से जाके पूजा शुरू कर दी थी हमने। मुझे तो पता नहीं था, स्टार्टिंग पहली बार ही कर रही थी मैं ये वाली पूजा, तो अम्मा लोग जैसे जैसे बताती गई बस वैसे वैसे करते गए। और धूप निकलने से पहले ये पूजा करो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इतना लेट ही हो गया था, एक तो बैना बन रहा था, आज ही मुझे वापस ससुराल फिर से जाना है, तो उसकी तैयारियां हो रही थी, क्योंकि डैडी वगैरह सब लोग लेने आएंगे। एंड साड़ी और शॉल दोनों इकट्ठे तो मुझसे संभाल ही नहीं जा रही थी। साड़ी संभालना इतना आफत हो रहा था, अभी हैबिट नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और शॉल ऊपर से, क्योंकि ठंड अच्छी खासी हो रही थी, हवा चल रही थी, देखो पत्ते वगैरह हिल रहे, अच्छी खासी हवा चल रही थी। और ये बरगद या पीपल का पेड़ था, मुझे ढंग से नहीं याद है, सॉरी। तो उसकी पूजा, और ये प्लस का साइन जैसा बना रही हैं, अम्मा ने बोला था कि 12 बनाना है, तो वो बना के फिर उसमें पूजा करके सिंदूर लगाया जाएगा। एंड मैरिड लड़कियाँ भी करती हैं ये वाली पूजा, अच्छा रहता है करना, पर मैंने कभी नहीं किया था शादी के पहले। सो, आप लोगों के वहाँ ये वाली पूजा होती है कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना आप लोग। तो प्लस के साइन मेरे उल्टे पुल्टे बन गए, मैंने तो बहुत देर तक बनाया था, अम्मा लोग तो फटाफट बन गए थे। और इतनी हैवी चूड़ियाँ, सब कुछ बहुत हैवी लगता है शादी के बाद, तो एकदम बदल ही जाओ। और ये था जनेऊ जो कि चढ़ाया जा रहा था पेड़ पे। मुझे ऑरेंज सिंदूर लगाना है अभी 1 ईयर तक, तो मेरी गौरी में भी वही बना हुआ था। और ये जो सिंदूर है ये मेरी नानी का है, तो बहुत पुराना ही है, तो वही यूज़ कर रही हूँ मैं अभी। अगले 1-2 साल जब तक सही रहेगा तब तक मैं यही यूज़ करूँगी। मेहंदी आधी आधी छूट चुकी है आगे की, क्योंकि मोस्टली वहीं सारा काम ज़्यादातर रहता है, मेहंदी छूटने लग गई है। बहुत अच्छी थी यार, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मेहंदी छूटे मेरी, तो बस अम्मा बताती जा रही है मुझे, मैं वो करती जा रही हूँ। और अभी आटे की एक गौरी टाइप की बनेगी, तो फेरे लगाने होंगे। मैं पान के पत्ते से फेरा लगाऊंगी, कई लोग कई चीज़ों से करते हैं, तो बस वही। अब मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, तो एक एक करके बता रही थी, उनको भी करना था मुझे भी करना था, तो इधर धूप जला के पूरी आरती हो जाएगी, अच्छे से बता रही थी वो मुझे। इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे म्यूजिक चल रहा था एंड देन कॉपीराइट का इशू, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बस अभी ये लगा के फिर पूजा देखते हैं। पूजा हो जाने के बाद में बैठने वाली जो भी पूजा थी उसके बाद में ये फेरी लगाने थे, येलो वाली रील जो धागा होता है, जैसे बरगद की पूजा होती है वैसे ही सेम ऐसी थी, पर थोड़ी सी डिफरेंट थी। देखो सबकी गौरी ऊपर बनी हुई है जिसमें सिंदूर भरा गया है, ये वाली पूजा। और साड़ी मेरी बहुत ज़्यादा पैर में फंस गया था, और किसी बच्चे ने ना हल्का सा पानी भी डाल दिया था। और इधर शंकर जी हैं तो उन पर भी जल चढ़ाया गया था, उस वजह से भी थोड़ा, एक तो मैंने सॉक्स वैसे वाले पहन रखे थे तो थोड़ा बच गया, वरना ठंडी गर्मी है वैसे ऐसे ही हो जाता। और ये फेरी लगाने के बाद में गौरी को सिंदूर भरना था, फिर वो सिंदूर अपनी मांग में भरना था, उसके बाद में पत्ता चढ़ाना था। 108 थे शायद, तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, 108 ही थे हाँ। और अम्मा लोग के पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इतना नहीं घूम सकती, तो बस उन्होंने बैठे बैठे कर ली थी पूजा। मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे तो पूरा करना ही था, और भी गांव की लेडीज़ वगैरह थी वो भी कर रही थी। इधर पास पड़ता है हमारे घर से ये वाला पेड़,
तो बस हम लोग यहीं पे आ गए थे, और मॉर्निंग में शायद इसलिए भी आते हैं ना क्योंकि भीड़ कम रहती है, लेकिन अम्मा बोल रही थी कि मॉर्निंग में ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि सबके सब मॉर्निंग में ही ज़्यादातर आ जाते हैं। और ये जो बच्ची है क्या आप लगा के बहुत क्यूट थी, मतलब प्रसाद में जो भी केला वेला थे सभी उठा उठा के खा रही थी, फिर बेचारी डांटी भी गई थी, बच्चे होते ही ऐसे हैं। लेकिन आफत भी कर दिए थे ये लोग नीचे, मतलब जो पूरा बना हुआ था पेड़ की जगह पे, तो नीचे नहीं उतर रहे थे, और फिर बार बार एक तो हो रहा था कि जल्दी करो क्योंकि घर जाके फिर पैकिंग वगैरह भी करना था, निकलना था इसके लिए, और खाना भी बनना था क्योंकि ससुराल से सब लोग आ रहे थे। ये नहीं आए थे, कुछ काम था या आया नहीं जाता है, कुछ ऐसा सीन था तो ये नहीं आए थे। तो बस जल्दी जल्दी से हमने ये पूजा करी, जैसे तैसे ख़त्म की। पूजा हो जाने के बाद में कहानी सुनाई थी अम्मा ने, तो वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ये हर्ष पार्थी कर रहे थे, वह दोनों बस मेरी पूजा करके, पूजा रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली दोनों भाई आए थे और फिर चले गए थे। तो पूजा के साथ साथ वो करना थोड़ा इशू हो जाता है इस वजह से। सो अम्मा की वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, चुनरी प्रिंट में कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वो बता रही थी कि यहाँ मत खड़े हो, वहाँ मत खड़े हो, ऐसे करके ये लोग बदतमीजी कर भी रहे थे, शैतानी कर रहे थे, उस बच्ची जो थी उसको छेड़ रहे थे, तभी अम्मा डांट रही थी उनको। और उनकी मम्मी पूजा कर रही हैं। किया था कि मैं आप लोगों को अपने घर की खेती ज़रूर दिखाऊंगी, तो मैं जा रही हूँ ये वाली वीडियो शूट करने, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मेरे घर पे मोस्टली सारी सब्जियाँ अवेलेबल हैं, जो भी चाहिए होती हैं या फिर जो भी डेली यूज़ की होती हैं, कुछ इस घर में हैं, कुछ इस मतलब बाहर हैं इस लॉन में, कुछ उधर वाले लॉन में, कुछ घर के अंदर लगी हुई हैं, तो मोस्टली सारी सब्जियाँ हम लोगों को मिल जाती हैं, बहुत सही लगता है फ्रेश सब्जी तोड़ के ला के खाने में। सो फ्रेंड्स, ये है पीछे वाले लॉन का एंट्रेंस, और मैं बस पूजा करके आई थी, और अंदर ब्लाउज पहना था, ऊपर टी शर्ट डाली थी क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर से वही साड़ी पहनना है। और ये था मेरे डॉगी का घर, इधर से ही घुसते ही मिल जाता है हमें ये वाला पूरा गेट जैसा लगा हुआ है। ये आई थिंक लौकी का पेड़ है, ये देखो बहुत छोटी छोटी सी लौकी लग रही हूँ, तो एकदम बेबी लौकी कितनी क्यूट सी लग रही हैं, प्यारी सी। मैं इधर से ही जा रही थी, मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ, ऐसे गेट बना दिया गया है क्योंकि लौकी को वैसे भी चढ़ने के लिए कुछ सहारा चाहिए होता है। तो बस वही अभी बस निकलने लग गई हैं, बहुत लंबी लंबी पतली सी लौकी होती हैं, काफ़ी सुंदर लगती हैं। और ये रहा इमली का पेड़, इमली बहुत ज़्यादा लगती हैं इसमें, अभी तो कटवा दिया गया क्योंकि फिर कूड़ा वूड़ा बहुत हो जाता है, इधर सब कूड़ा ही पड़ा हुआ है तो कटवा दिया गया। ये खबहा, गाँव में इसको खबहा बोलते हैं। और इधर है हमारे करेला का पेड़, ये करेला भी पूरा बेल की तरह चढ़ गया है। इधर पूरा थोड़ा जंगल जंगल सा है, साफ कराना है, लेकिन सब्जियां लगी हुई हैं। और ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये है लहसुन, इसके नीचे छोटे छोटे से लहसुन प्याज दोनों ही लगे हुए हैं। और इनकी लहसुन की जो लीव्स हैं वो भी सब्जी में डालो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये इतना पूरा एरिया अभी जो खाली पड़ा हुआ है, इसमें भी अभी कुछ काम बाकी है, बाबा बोल रहे थे कि इसमें लगवाना है कुछ। ये है लहसुन, ये देखो आप लोग, मैं उखाड़ के दिखाती हूँ अभी आपको, इसमें से निकलेगा, टूट जाता है, इसकी जो लीव्स होती हैं ये भी लहसुन की तरह स्मेल करने पे सेम वैसी ही स्मेल आती है, और सब्जी में डाल के बहुत यम्मी, बहुत ज़्यादा यम्मी बन जाती है सब्जी। इधर लगा हुआ है हमारे मिर्चे का पेड़, बहुत छोटे बहुत तीखे मिर्चे होते हैं इसके, नन्हे नन्हे से रहते हैं, लेकिन इसमें इस पेड़ के तो तोड़े गए हैं, ये देखो इतने छोटे छोटे वाले हैं, बहुत बड़ा मिर्चा नहीं होता, छोटा होता है लेकिन बहुत हद ज़्यादा तीखा होता है। ये देखो बस इतना है, फुल ग्रोथ इसकी यही है, सबसे बड़ा यही है, इसमें के थोड़े तोड़े गए हैं इस वजह से ये पेड़ हल्का सा खाली लग रहा है। उधर लहसुन था, इधर प्याज है, और इस साइड में गेट लगा दिया गया है क्योंकि फिर जानवर वगैरह आके वो ख़राब कर देते हैं। इधर ये लगा है जंगल जलेबी का पेड़, जो गांव से रिलेट करते होंगे उन्हें जंगल जलेबी अच्छे से पता आया होगा कि क्या होती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और ये रहे हमारे टमाटर छोटू मोटू से, ये क्या हो गया,
हाँ सॉरी, फोकस नहीं ले रहा था। ये है हमारे टमाटर के पेड़। इसमें ना एकदम नन्हे से छोटे छोटे से टमाटर होंगे। अभी कहीं लगे होंगे तो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत खट्टे से रहते हैं, एकदम रेड रेड भी रहते हैं और खट्टे से रहते हैं। छोटी छोटी छर्री वाले नहीं होते, वैसे होते हैं। इधर मनी प्लांट एंड बाकी प्लास्टिक वाले शो प्लांट्स लगे। ये देखो कितना छोटा सा टमाटर, ये इतना ही रहते हैं, इससे बड़े नहीं होते। मतलब इनकी वैरायटी यही है कि इतने ही रहते हैं, पर टेस्टी बहुत रहते हैं, नन्हे मुन्ने से। ये देखो कितने छोटे छोटे, और ये ना बंच में लगते हैं। ऐसा नहीं कि एक पे उसमें एक ही टमाटर एक ही लगता है, लेकिन ये बंच में लगते हैं। इधर और सारे पेड़ लगे हुए हैं, गुआवा वगैरह, मैरीगोल्ड फ्लावर्स लगा हुआ है। तो हल्दी में मोस्टली हम लोगों ने यही वाले फ्लावर यूज़ किए थे, इस वजह से कम हो गए हैं। काफ़ी सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया गया था। और इधर ये जो शो प्लांट लगा हुआ है ये बहुत अच्छा है। और ये है हमारा नींबू का पेड़। इसमें भी बहुत छोटा पेड़ है, लेकिन नींबू बहुत बड़े बड़े लगते हैं। ये देखो लगा हुआ है, और रस तो बहुत ज़्यादा होता है। एक नींबू बहुत, मतलब दो ग्लास पानी के लिए बहुत इनफ हो जाता है। खट्टा भी रहता है और रस भी रहता है। कुछ कुछ नींबू होते हैं सिर्फ टाइट होते हैं, पर रस नहीं होता इसमें बहुत था। ये इधर मिर्चा का एक और पेड़, ये दूसरी वैरायटी है। इसमें पतले और लंबे से रहते हैं मिर्चे, रेड रेड हो गए हैं। इसका अचार बनने के लिए इनको रेड किया जा रहा था, इस वजह से हम लोगों ने नहीं तोड़ा रेड वाले मिर्चे का अचार। ये ज़्यादा तीखे नहीं होते हैं, तो सिरके में डाल वाल के काफ़ी अच्छा लगता है। इधर भी वही टमाटर लगा हुआ है। फिर एक और प्लांट, ये छोटा सा पता नहीं किस चीज़ का है, ये मुझे नहीं पता। ये है मेहंदी का पेड़, जो ओरिजिनल मेहंदी होती है, सिर में गांव में लोग लगाते हैं, सर में हाथ में, बहुत अच्छा कलर आता है। एंड दिस इज एलोवेरा, यू ऑल नो दैट। साथ में एक और पेड़ भी लगा हुआ है फ्लावर का, टूट गया है शायद, ये लचर पचर हो गया बेचारा। और मेरा रंग अभी लगाया है मम्मी ने, जो कि सूखा हुआ है, बस अभी सूखा है, वरना अभी ये रही भिंडी, ओकरा भी बोलते हैं इसको। काफ़ी इस, मतलब ये सीज़न नहीं है ना भिंडी का, तो इस वजह से काफ़ी अजीब सी मोटी मोटी सी निकली हुई है, काफ़ी टाइट टाइट से। वरना जब सीज़न होता है तो बहुत अच्छी भिंडियाँ निकलती हैं। आप वो एक वीडियो में मैंने दिखाया भी है, अगर नहीं देखा तो मैं एंड ऑफ द स्क्रीन लगा दूँगी, वॉच आउट करिएगा, उसमें बहुत सारी भिंडी लगी हुई थी। एंड एक और पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं। सब्जियां तो एकदम फ्रेश मिलती हैं, तुरंत ले जाके खाओ ना तो और भी टेस्ट यम्मी वाला आता है। इधर सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसमें जो फ्लावर लगा हुआ है, इसका बीज गिरने से प्लांट अपने आप निकल आता है, तो अगल बगल और हो जाते हैं। और इधर साइड लगी हुई है पालक, आई थिंक पालक ही है, दाल पकौड़ी, ये सब इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। उधर ये पेड़ है नीम का, नींबू भी दिखा दिया मैंने आप लोग को, एक बड़ा सा नीम का, ये जो नीम बड़ा वाला नीम का पेड़ है, छोटे पे इसमें हम लोग झूला डाल के बहुत झूलते थे पूरा। इधर काफ़ी बदल गया है अब तो। और इधर कुछ कुछ लगे हुए हैं प्लांट्स, ये तो अभी अभी बोए गए हैं, ये मुझे नहीं पता किस चीज़ के हैं। ये अभी अभी बोया गया तो अच्छे से पूरा ग्रोथ नहीं हुआ है। और इधर भी यही लगो, पहले यहाँ पे ना ये मूली है शायद, आई थिंक, नॉट श्योर, मूली भी यहीं कहीं लगी हुई थी। मैं निकाल के देखूं क्या ये क्या है, देखती हूँ। हाँ ये तो मूली है, ये देखो कितनी पतली सी मूली है, अभी ग्रो नहीं की दी थी मैंने, बताओ नोच लिया। मूली के पत्ते भी, इनका भी कुछ कुछ बनता है काफ़ी अच्छा सा। और इधर सोया मेथी लगाई गई है, और सोया मेथी भी फ्रेश तोड़ के खाओ। सोया मेथी के साथ में बीच में धनिया भी बो दी गई है, ये तो कुछ और है, सोया मेथी नहीं है, पता नहीं क्या है। आधी चीज़ें तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि इसमें क्या है, सो सॉरी गाइज, अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा ये कौन सा प्लांट है, पता नहीं कौन सा। और इधर आगे बढ़ने पर तो मुझे पता है, ये वाला प्लांट लगे हुए हैं, छोटा सा नीम का है। इधर वाला एक कच्चा वाला घर है जहाँ खाना बन रहा था। और ये है सोया मेथी, खुशबू बहुत अच्छी आती है, सोया मेथी लगा हुआ है ना, तो इधर जब भी आओ तो बहुत अच्छी सी प्यारी सी वाली खुशबू आती है सोया मेथी की। और साइड बाय साइड में ना धनिया भी लगी हुई है इसी में, तो जो सीज़न चलता रहता है वो लगा दिया जाता है, फिर जिसका सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उसका हटा के। अभी बीच में खीरा बहुत सारा लगा हुआ था, छोटा छोटा एकदम पतला सा, बहुत अच्छा सा खीरा लगा हुआ था। तो सब्जियाँ मैंने आप लोगों को दिखा दी है,
कितने प्यारे से फ्लावर्स आ रखे हैं। अरे इधर पीछे लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं क्योंकि चूल्हा इधर ही जलता है, तो इधर ही डाल रखा है। ये धनिया, धनिया भी बहुत अच्छी है। तो बस यही थी मेरी छोटी मोटी सी घर की खेती, प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा। साथ ही साथ पुदीना भी लगा हुआ है चटनी वगैरह के लिए, कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है भाई मेरे घर पे। और इधर चूल्हा रखा है, इधर नॉनवेज बनता है पीछे वाले घर पे, घर के अंदर नॉनवेज नहीं अलाउड है तो पीछे बनता है। इधर बीच में पपीता, सब कुछ है, सब कुछ। सो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, इतना काफ़ी था। सो बाय, टेक केयर।